नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राशिफल 18 सितंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं सुबह के संक्षिप्त पांचांग से। सूर्योदय होगा 6:11 एएम पर और सूर्यास्त होगा 6:18 पीएम पर। तिथि है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, योग है शुक्ल, वार है शुक्रवार। विजय मुहूर्त 2:16 पीएम से लेकर 3:04 पीएम तक और अभिजीत मुहूर्त है 11:50 एएम से लेकर 12:39 पीएम तक। राहु काल है 10:44 एएम से लेकर 12:14 पीएम तक। ये था सुबह का संचित पांचांग और ये आपके शहर के अनुसार, आपके देश के अनुसार कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। सही समय पर सही काम और अशुभ समय में भगवान का नाम जपें ताकि कष्ट ना आए। इसके साथ साथ आज आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बात करते हैं राशि फल की, तो जानेंगे आज का दिन आपके लिए कैसे बीतेगा। और ये जो जानकारी, जिससे मैंने कहा, चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो बात करते हैं धनु राशि की। आपको आज के दिन आनंद भरा अनुभव होगा कि आज का दिन बहुत अच्छा बीत रहा है। निश्चित रूप से समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, व्यापारी वर्ग को काम करने में अच्छा लाभ होगा, शेयर मार्केट में पैसा लगाया जा सकता है। हर छोटी खुशी को आप प्राप्त करने के लिए मेहनत करेंगे और मेहनत में सफल भी होंगे। आपका दिन बेहतर बना रहेगा, आप आत्मनिर्भर होंगे, महिला हों चाहे पुरुष हों, दिन बढ़िया है। फिर भी हर फैसला सोच विचार के करें तो और बेहतर रहेगा, ताकि गलतियों की गुंजाइश ना रहे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया रहेगी, उच्च शिक्षा का जो आपका मन है या उच्च शिक्षा ग्रहण करने में जो बच्चे लगे हुए हैं उनको लाभ होगा। आज कुछ बड़ी खरीदारी करने का मन बन सकता है, कुछ बड़ी खरीदारी की जा सकती है। आप जो भी लोग ऑफिस में काम करते हैं या जो लोग घर से काम कर रहे हैं अभी, उनके काम में उनको शाबाशी प्राप्त होगी, क्योंकि कोरोना काल की वजह से कुछ लोग घर से ही काम कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, और कुछ लोग ऑफिस जाके भी कर रहे हैं। सबका अलग अलग हिसाब किताब है, तो दोनों जगहों पर चाहे घर हो चाहे ऑफिस में आप काम कर रहे हो, आज आपकी पीठ थपथपाई जा सकती है। आप कमियों को आज छुपाएं नहीं, बल्कि उनको सुधारने के लिए लोगों से डिस्कशन करें जो आपके शुभचिंतक हैं, कि मुझे ये कमी सुधारनी है। छुपा छुपा के कमी को बढ़ावा देंगे और बताकर उसका निवारण कर लेंगे। तो ये एक आपको आज सुधार करना होगा। दिमाग व कूटनीति, दिमाग और कूटनीति और कूटनीतिक चाल कह लें या कूटनीतिक तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको और बड़ी जबरदस्त सफलता मिल जाएगी। प्रयास के बाद सोच विचार ना करें, प्रयास करने से पहले सोच विचार करें तो और बढ़िया रिजल्ट आएंगे। बढ़िया, आज आप कुछ ऐसा करें जिससे आपको लगे कि यस, मैं यही करना चाहता था या यही करना चाहती थी, अब मुझे सुकून है। दुनिया के लिए, दिखावे के लिए बहुत काम करते हैं, कुछ काम अपने सुकून के लिए करने चाहिए, या जैसा मुझे पसंद था मैंने वैसा किया, ये काम मेरी स्टाइल का है, तो इस तरीके का आप काम करें तो और बढ़िया रहेगा। या फिर आप अपना एक नया तरीका, एक अपना एक नया स्टाइल निकाल सकते हैं किसी काम को करने के लिए, इस बात से भी आपको खुशी होगी और एक नए तरीके से जब काम संपन्न होगा तो दुनिया उस तरीके को अपना भी सकती है। तो कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए आज थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी कूटनीति के साथ बड़ी सफलता और थोड़ा इनोवेशन, कुछ नया करके किसी काम को करना, ये इनके दिनचर्या में शामिल रहेगा, जिससे इनकी पीठ थपथपाई जाएगी, इनको शाबाशी मिलेगी और इनका भी मनोबल ऊंचा हो जाएगा कि भाई चलो कुछ किया तो उसका इनाम मिला। क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ का इनाम मिल जाए तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बचपन में आपने कुछ काम किया, माता पिता ने एक ट्रॉफी भी दे दी तो खुशी के मारे 10 दोस्तों को बता देते थे, तो अब भी वैसी खुशी मिल जाए कुछ काम करें तो माता पिता तो सपोर्ट करते ही करते हैं, अगर बॉस भी सपोर्ट कर दे, शाबाशी दे दे, तो खुशी दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पर आज आपको खुशी मिलती हुई दिखाई पड़ रही है और बढ़िया तरीके से आप काम करेंगे। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध में सपोर्ट मिलेगा पार्टनर का। आज हो सकता है कि आपका जीवन साथी भी उतना ही व्यस्त हो जितने आप व्यस्त हैं, लेकिन
इस व्यस्तता के टाइम में भी एक जो पूछ होती है कि आदमी ने आपको 2 मिनट के लिए पूछ लिया, कैसे हो, बढ़िया चल रहा है, चाय पी लो, पानी पी लो, जो एक आपको महसूस होता है कि वाकई सामने वाला मेरी कद्र कर रहा है, इस कद्र को पाकर आपका मनोबल और ऊपर होगा और आप और अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो धनु राशि वालों के लिए दिन बढ़िया है। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, गणेश जी की उपासना करिए, मंगल ही मंगल होगा। अब हम बात करते हैं आज के विशेष की। हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं लाजवर्थ की, लैपिज की, कि इसके ये फायदे, इसके ये फायदे, इसके वो फायदे, फला फायदे। आज हम बात करेंगे इसके नुकसान की। नुकसान क्या होता है? फायदे तो बहुत सुन लिए, आप नुकसान भी सुन लीजिए। मैंने बड़ा पन्ने पलटे किताबों के कि देखें कुछ नुकसान भी ढूंढें ताकि आपको पता चले कि इसको धारण करने से ये नुकसान भी हो सकता है। नुकसान नंबर 1, ये आपकी बुद्धि को बहुत तेज करता है। नुकसान नंबर 2, गले की आवाज़ या गले संबंधी रोग से मुक्ति दिलाता है। नुकसान नंबर 3, शनि की साढ़े साथी या ढैया से राहत दिलाता है। नुकसान नंबर 4, काल सर दोष पितृ दोष के प्रभाव को कम करता है। नुकसान नंबर 5, शनि दोष से राहत दिलाता है। नुकसान नंबर 6, बुरी नज़र काला जादू दुर्भाग्य को दूर करता है। नुकसान नंबर 7, टोने टोटके वास्तु दोष को दूर करता है। नुकसान नंबर 9, राहु केतु की दशा में धारण करके आपको राहत मिलती है। नुकसान नंबर 9, नौकरी में बदलाव, व्यापार में बरकत लाने के लिए यह अच्छे काम करता है। नुकसान नंबर 10, गुप्त शत्रुओं का विनाश करके आपको शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है। नुकसान नंबर 11, तनाव, डिप्रेशन, मोटापा, चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसको धारण करना चाहिए। नुकसान नंबर 11 है कि 12 है, मैं भूल गया, जो भी है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये सबको सूट करता है और कुछ राशियों को विशेष करके सूट करता है। तो 1 मिनट, मैं आपको नुकसान बताने के लिए आया था, लेकिन मेरे को इसके कोई नुकसान दिखे नहीं, मुझको इसके फायदे ही दिखे। अब फायदे हैं इतने ज्यादा कि नुकसान की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। हाँ, उनको जरूर नुकसान हो सकता है जो इन वीडियोस को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत दिनों से देख रहे हैं और उनको तकलीफ भी है और उसके बाद भी उपचार नहीं करा रहे हैं। तो हम आज जो हम विशेष आपको बता रहे थे, तो उसमें यह था कि हम इसे नुकसान बताएंगे। अब नुकसान तो मिले नहीं, तो हमने कहा फिर फायदा ही बता दो। और जब आप लोगों को तो रट गया होगा, मैं इतने दिनों से बता रहा हूँ तो आप लोगों को तो याद हो गया होगा। तो जिनको याद हो गया है तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपने जीवन में सफलता पाने के लिए, खुशियां पाने के लिए कुछ तो याद किया। तो बेहतर है आप इसको पहने, बेहतर है कि आप इसके लाभ उठाएं, बेहतर है कि कष्टों को दूर करें। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और इसको मंगाना चाहते हैं तो एल लिखकर व्हाट्सएप कर दें। हरिओम, नमस्कार।